गाइस व्हाट्सअप, सो जो जिन्होंने जिन्होंने मेरा चार वीडियो नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हो। सो बहुत दिनों बाद मैंने आज गाड़ी चलाया और आई थिंक 15-16 दिन तो हो गए। 24 तारीख को मैंने लिया था, 24 जनवरी को। सो गाइस मैंने बाइक को राइड किया अच्छे से, बहुत अच्छे से राइड किया। अभी फोर्थ गियर तक मैं चलाया, ठीक है। सो आज का ये जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा कि क्या क्या है। उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी कैसी लग रही है आप ही देख सकते हो। अभी मैं ज़्यादा नहीं चला रहा इसको, बट मैं जब भी जितने भी चला रहा हूँ तब भी मीडियम में ही चला रहा हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ गियर भी मैंने टाना, ठीक है। सो मैंने अभी गाड़ी को उतना रेस नहीं किया है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो मीटर पर। तो मैंने आज चलाया 7.3 किलोमीटर, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट क्रॉस किया है 143, और अभी तो मेरी गाड़ी न्यूट्रल पे है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सो गाइस, हम लोग ने कभी गौर नहीं किया अपने बाइक पे कि यार वो SBT का जो मैंने बात किया था कि SBT का जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है। सो चलिए देखते हैं कि SBT कैसे वर्क करती है। जो हम लोग का मीन्स यहाँ पे जो पैडल है, जो पीछे का ब्रेक हम लोग लगाते हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो। यहाँ पे जैसे मैं ये ब्रेक करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा है ये वायर। ये वायर ना वो सामने वाले ब्रेक से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो जैसे मैं ये करता हूँ ब्रेक, तो यहाँ पे भी लगती है। तो इस पर भी आपको आप देख सकते हो कि इधर भी ये पीछे बैक आ रही है। तो गाइस जब भी मैं ब्रेक पीछे का अप्लाई कर रहा था तो मेरी जो ये सामने की ब्रेक है, मैंने जो बोला था आप लोग को कि 70% वो रोक लेती है, या गाइस सच में वो काम कर रही थी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि बहुत लोगों ने क्यों कंप्लेन किया कि SBT इज़ नॉट वर्किंग वेल, ठीक है, बट यहाँ पे वर्किंग कर रही है। और यहाँ पे आपको सामने का ब्रेक दबाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाड़ी अगर आपकी अगर 60 किलोमीटर में भी अगर आप मारोगे ब्रेक तो वो पीछे का गाड़ी आपका स्केट नहीं करेगा, लेकिन आपको सामने की ब्रेक नहीं मारनी है कैसे भी हो, ठीक है। और यहाँ के जो टायर के जो मैं बता रहा था, जो टायर भी बहुत अच्छे ग्रिप हैं। ये जो रोटो पेटल जो डिक्स है ये भी बहुत बढ़िया है बाइक का। मैंने अभी जितना भी राइड किया, जहाँ तहाँ तक लेके गया बाइक को, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। अब मैं ये वीडियो अब जब मैं और भी कुछ नया इंटरेस्टिंग करूँगा तब बनाऊँगा। मैं सोच नहीं रहा था कि बनाऊँ, बट मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और बात अब करूँगा जब अब नया वीडियो डालूँगा तब। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, और ये वीडियो सबको शेयर करो जो TVS रेडर के बारे में और कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। और कुछ जानना है तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। सो